रानी की वाव एक विश्व विरासत स्थल। हमारे देश भारत में ऐसे कई स्थल हैं जिसे प्राचीन काल में राजाओं ने अपने रानी की याद में बनवाए हैं। लेकिन वही रानी की वाव हमारे देश में मात्र एक ऐसा विश्व विरासत स्थल है जिसे एक रानी ने अपने पति की याद में यानी अपने राजा की याद में बनवाई थी। रानी की वाव एक ऐतिहासिक भव्य संरचना है। इस भव्य बावड़ी का निर्माण भीमदेव प्रथम की रानी उदयामती ने 11वीं शताब्दी में 1063 में करवाई थी। रानी उदयामती इस वाव का निर्माण अपने स्वर्गवासी पति भीमदेव प्रथम की स्मृति में करवाई थी। भीमदेव प्रथम अनिलवार पाटन के सोलंकी वंश के संस्थापक मूल राज के पुत्र थे। आपको बता दे कि बावड़ी एक सीढ़ीदार कुएं को कहा जाता है जिसे अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसे बावड़ी या बावली कहा जाता है और गुजराती में इसे वाव कहा जाता है, इसलिए इसे रानी की वाव कहा जाता है। रानी की वाव गुजरात के पाटन शहर में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है जिसे धरती के अंदर में बनाया गया है और यह दिखने में ऐसा लगता है मानो जैसे यह एक उल्टा मंदिर हो। रानी की वाव 7 मंजिला है और यह 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी एवं 27 मीटर गहरी है। रानी की वाव को उत्तम वास्तुकला का जीवंत एवं बेजोड़ नमूना माना जाता है। यहाँ की मूर्तिकला तथा नकाशी में विष्णु भगवान के सभी अवतारों को तथा देवी देवताओं को भव्य रूप में गढ़ा गया है। सदियों पहले सरस्वती नदी में आए भीषण बाढ़ के कारण ये वाव सदियों तक जमीन के अंदर दबी रही। 20वीं सदी के 6 दशक तक बेजोड़ वास्तुकला से परिपूर्ण इस वाव का अस्तित्व की जानकारी किसी को नहीं थी क्योंकि तब यह वाव पूरी तरह से रेत और मिट्टी से भर चुके थे। 1986 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सतत प्रयास और खुदाई के परिणाम स्वरूप इस अमूल्य धरोहर को मिट्टी से बाहर निकाला गया। इस बावड़ी के सबसे नीचे आखिरी सीढ़ी के नीचे एक गेट है जिसके अंदर 30 किलोमीटर लंबे सुरंग है जो सिद्धपुर में जाकर खुलती है। ऐसा कहा जाता है कि इस सुरंग का इस्तेमाल युद्ध के दौरान किया जाता था। 22 जून 2014 को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में इस वाव को शामिल किया गया था। यह वही अद्भुत और भव्य स्थल है जिसको आप 100 रुपए के नए नोट के पीछे देखते हैं। इसे जुलाई 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100 के नोट पर चित्रित किया गया। 7 मंजिला यह रानी की वाव मरु गुर्जर वास्तु शैली का साक्ष्य है। बावड़ी के अंदरूनी दीवारों में लगभग 800 से अधिक मूर्तियों को उकेरा गया है। भगवान विष्णु यहाँ की मूर्तियों के मुख्य विषय वस्तु है। भगवान विष्णु के अनेकों रूप को यहाँ सुंदर तरीकों से नकाशी कर दिखाया गया है जिनमें उनका विराट रूप भी शामिल है। भगवान विष्णु के सभी अवतार यहाँ दीवारों पर प्रदर्शित है जिनमें वरा, वामन, परशुराम, राम, बुद्ध और कल्कि आदि है। इसके अलावा अन्य मूर्तियां भी है जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश है अपनी पत्नियों के साथ। अन्य मूर्तियों के साथ साथ यहाँ हाथियों, योगिनियों और नाग कन्याओं को भी दिखाया गया है। विश्व प्रसिद्ध पटोला कला भी यहाँ इन दीवारों पर प्रदर्शित है। यही डिजाइन आपको पटोला साड़ियों पर डिजाइन किया हुआ मिलता है जिन पर कई गाना भी निकला हुआ है जिसे शायद आप जानते ही होंगे। रानी की वाव की विशिष्टता न केवल उसका महान पैमाना और अद्भुत मूर्तिकारी है बल्कि उसके निर्माणकर्ताओं की रचनात्मक प्रतिभा भी है जिसने एक सामान्य उपयोगी स्थान को एक अद्भुत कला और सौंदर्य वाला एक महाप्रतिष्ठित स्मारक बना दिया। रानी की वाव भारत के सारे वावड़ियों में से सबसे प्रतिष्ठित वावड़ी है और सबसे प्रथम स्थान पर है, इसलिए इसे बावड़ियों की रानी भी कहा जाता है। अगर आप कभी भी गुजरात के पाटन शहर में आते हैं तो रानी की वाव का भ्रमण जरूर करें और इस गौरवशाली भव्यता का आनंद उठाएं। भारत के इस अद्भुत स्थल के बारे में आप क्या सोचते हैं यह हमें कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो दिल को छुआ है तो धन्यवाद।